गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई सुबह, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज हो चुका है क्या ट्यूसडे, मंगलवार हो चुका है और आज है टीचर डे। जैसा कि कल हमने मिस कर ही दिया था, तो लविस की तो हाफ डे में छुट्टी हो गई थी, मतलब 10:30 बजे छुट्टी हो गई थी, लेकिन गया था लविस स्कूल कि पता होना चाहिए बच्चों को। जब लविस दूसरे स्कूल में था ना, अभी रिसेंटली में ही चेंज किया था हमने, तो उसमें कुछ नहीं, मतलब जाता ही नहीं था ये और कुछ मनाते भी नहीं थे खास, इसलिए उस बार गया। और जसिका की फुल छुट्टी हुई थी तो दोनों बच्चे आ चुके हैं, जसिका ऊपर है, लविस अपनी दादी के गया है, वहाँ सब बच्चे हैं ना खेलने, तो उधर चला गया। मैंने कहा चलो जाओ आप, तो कल जाना, कल कुछ खास काम नहीं होगा। लविस ने कुछ, मैडम कह रही थी कि कल कुछ खास काम नहीं होगा, परसों है ही जन्माष्टमी, फिर 3-4 दिन की छुट्टी है ही ऑलमोस्ट, मतलब दिल्ली में सब कुछ बंद रहेगा, मिनी लॉकडाउन रहेगा। और लंच में आज मैंने बना लिया है, लंच में बनाई है मैंने भिंडी, जैसा कि मैंने आपको साथ शेयर ही की थी, तो भिंडी बनाई, काफ़ी टेस्टी बनी। और भिंडी के साथ थी आलू की सब्ज़ी, वो रखी थी, मैंने कहा चलो मुझे भिंडी कम पसंद है, ज़्यादा पसंद नहीं है। और बस, और बाहर शोर चल रहा है, मकान जैसे बन रहे हैं तो तैयारी चल रही है, दिवाली आ रही है, तो मतलब दिवाली क्या ऐसे ही दिन बीत जाएंगे। अब तो गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद हाँ पहले तो कल है, परसों जन्माष्टमी, 7 तारीख को, 7 तारीख को जन्माष्टमी है, उसके बाद गणेश चतुर्थी है, पता नहीं कब से है, देखना पड़ेगा मुझे। और मैंने ये कुछ इस तरीके से पहना है, मैंने कुछ काम नहीं किया, और मैं सो गई, मैं सो जाती हूँ, नींद का खेल ही रह जाती हूँ, सब अपने अपने चले जाते हैं, मुझे नींद आ जाती है, जल्दी उठती हूँ इसलिए। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, फिर जस्सिका से मिलवाएंगे और लविस से है, मतलब साफ़ करूँगी मंदिर को, देखती हूँ कल ही करूँगी। लविस बॉल खेल रहा था और यहाँ ही यहीं रख के चला गया, पता नहीं कहाँ से लाया था, याद भी नहीं है मेरे तो, भूल जाती हूँ जल्दी से। और ये है हमारी भिंडी, मसालेदार भिंडी, ऑलवेज़ हमारे यही पसंद करते हैं। और उन्होंने अपना शेक बनाया था, बनाना शेक ऑलवेज़ पीते हैं वो, जिम के बाद इवनिंग में भी पीते हैं, मॉर्निंग में भी, मतलब एक ही टाइम पीते हैं, या तो इवनिंग या मॉर्निंग। और मेरे हेयर काफ़ी ग्रोथ हो गए हैं, पहले मेरे इतने थे, जब मैंने ये काम शुरू किया था ना तो इतने थे मेरे, और इतने लंबे हो गए हैं, नीचे से बहुत हल्के हैं लेकिन पता नहीं क्यों। चलिए बहुत का, तो गाइस नीचे से बाल इतने हल्के हो रहे हैं, मतलब ऐसे वैसे तो अच्छे लगते हैं लंबे। अब मैंने सोच लिया अब मैं बाल कटवाऊंगी नहीं, मैं हर मतलब हर साल अपने बाल कटवा देती थी, जैसे अब देव नवरात्रे के बाद मैं अपने बाल थोड़े थोड़े कटवा देती, थोड़े क्या मतलब ज़्यादा लंबे रखती नहीं थी, इतने ही रखती थी बस, मेरे बहुत लंबे बाल थे, सब मैंने कटवा दिए। लेकिन अब क्या सोच लिया मैंने, अब के बाल अपने लंबे कर लूँगी, जितने भी होंगे कटवाऊँगी नहीं, बस इन्हीं की केयर करूँगी चाहे कितने भी हों। तो सोच रहा है मैंने अब के बाल नहीं कटवाने बस। और जस्सी का पता नहीं कब आएगी, लविस भी पता नहीं कब आएगा, जब आएंगे और मिलवाएंगे, और कल देखते हैं। सोच रहे थे आज कुछ काम नहीं है बाहर चलते हैं, फिर सोचा चलो छोड़ो कहीं नहीं जाते, पैसा वेस्ट हो जाता है गाइस, घर से बाहर निकलने पे बहुत पैसे खर्च होते हैं, कि बच्चे ना कुछ मांगते रहते हैं फिर दिलाना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी मॉल चलते हैं, फिर वो भी कैंसिल कर दिया, चलो छोड़ो कहीं नहीं जाना, घर ही रहो, पढ़ाई करो, पेपर आ रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं और आने दो बच्चों को, फिर मिलवाते हैं। जस्सी का ऊपर से हाँ जी, मैंने ये नहीं बताया कि क्या काम किया है वैसे। तो जस्सी का को दिया था आज जूते धोने का काम, तो ये कोई बात नहीं, तो आओ आपको कुछ देते हैं हम, आइए जल्दी जल्दी आइए, वो फिर किसी और के हत्ते लग जाएंगे, उठा लीजिए वो आपके लिए ही रखे हैं। तो बताइए कितने हैं, 400 हैं, तो सारे कर दिए, लाइन लगा दी सबकी, पेड़ों में पानी अच्छे से भर भर के डाला, बहुत सूख गए होंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल दो पेड़ तो बिल्कुल सूख गए सही में। और डाटा चलाना नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर मोबाइल डाटा ही खुला पड़ा है इतनी देर से, तो ये बिल भरना पड़ेगा इसका, पता बिल वाला है ये वैसा डाटा नहीं है। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं, जस्सिका तो आ गई है, लविस से पता नहीं, उसे फ़ोन करना पड़ेगा जब आएगा वो, तो चलिए अभी मिलते हैं।
तो गाइस मैं ऊपर आई थी, आखिरकार जसिका ने पेड़ों में पानी दे दिया और जो जसिका का काम दिया था। और देखिए ये हमारी दीवार टूट गई है, कुछ कुछ एनिमल सा लग रहा है इसमें, अगर ध्यान से नोटिस कीजिए। ऐसा हो रहा था बादल में कुछ ऐसा देखते हैं, लेकिन बादल तो साफ है। और इधर जसिका ने धोया सारे शूज, 1 2 3 4 5। उसके डैडी ने बोला था क्योंकि मेरी उंगली में अभी दर्द है, मतलब स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आज उसने सारे धो के लाइन लगा दी। आज ट्यूशन की छुट्टी थी और अब तो वैसे भी छुट्टी रहेंगी काफ़ी दिनों तक। तो मैं ऊपर आके बैठी थी, मैंने कहा देखते हैं, चलो हवा चल रही है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर में भी बड़े बड़े बोर हो जाते हैं, कुछ काम सा नहीं है, बाहर जाने का मन नहीं है, बिकॉज पैसे खर्च हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सेव मनी करनी पड़ती है। तो सोचा आज घर में ही रहते हैं, कल धोएंगे कपड़े, परसों जन्माष्टमी है तो देखते हैं क्या करते हैं जन्माष्टमी पे। पिछली बार तो लविस को बनाया था हमने काना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब के देखते हैं, लविस बोल रहा कि अब के भी बनाओगे, मैंने कहा देखते हैं, ज्वेलरी वगैरह तो रखी है। बाकी चलिए नीचे चल के मिलेंगे, थोड़ी देर बैठूंगी 10 मिनट और। तो लविस कहाँ चले? तो लविस जा रहा है मार्केट अपने कल की, कल है इसका क्या है इधर होके बताओ ना। तो क्या बनाना है उसमें? और चॉकलेट। अच्छा क्यों भाई? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज बनाना, एक ही सामान ले जाना, उसके लिए भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो रात हो चुकी है गाइस, 7:45 बज चुके हैं, देखिए इधर, और मैं इधर देख रही हूँ पंडिया स्टोर, और इधर जसिका। बेचारे हमारा नेट बंद हो चुका है तो ये बेचारे परेशान है थोड़ा। ऐसे कह रही हूँ अब चाय बनाओ, चाय का टाइम हो चुका है मेरा बस। स्कूल जाना है ना कल, और तो और फ्रेंड का बर्थडे कब है? कांगड़ी चॉकलेट दे दी? कब है बर्थडे? तो पार्टी कब मिलेगी कल? मिल गई यार। खाली पार्टी बताया नहीं, ढोकला खाया था खा लिया। और मैंने चम्मच तो दी नहीं, फिर खाया हाथ से खाना पड़ा। मेरे बाद में याद आया, वो मैंने कहा ढोकला तो खा ही लेगी हाथ से, अगर घर की चीज सामान होता ना कुछ तो उसे नहीं खाती, उसे बहाने मार के कह देती चम्मच ही नहीं थी, जैसे पोहा ऐसी चीजें सब्जियां खाने में चुप जाती हैं। और ढोकला खाने में हाथ से खा लिया तो एक चीज थी ना। अच्छा तो स्पेशली जसिका ने कल मंगाया था तो स्कूल के लिए मैंने ला के दे दिया। और सुबह बनाती हूँ, क्या बनाऊँ सुबह लंच में? सो गाइस आखिरकार लविस आ चुका है और गेट की आवाज़ आई है, इसलिए मैं देख पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं लविस कितनी देर में आता है। तो ये आया लविस अपने फूड, किसकी पूरा बताओ, फूड शॉपिंग, हाँ ग्रोसरी। तो ये इसमें क्या क्या लेकर आए हो बताओ जरा? गाजर, तो ये गाजर क्रश उसमें कद्दू करनी है, ठीक है। और ये कौन लेकर आया स्वीट वाले? तो ये मैं बॉईल करके दे दूंगी, हल्के से ही होते हैं। और खीरे तो बस रखे भी थे, और शिमला मिर्च भी रखी है, कल ले आई थी मैं शिमला मिर्च, हाँ थोड़ी थोड़ी डालना उसमें। और जस्सी का तुम्हारा क्या? स्कूल में दो बनाए हैं समर के लिए, क्यों? देखाऊंगा। अच्छा ओहो, अपने भाई के लिए। तो कैसा लगा डैडी के साथ शॉपिंग करने में? पैदल लेके गए, पसीने में तर हो रहा है, देखिए साइड में पसीने, क्योंकि स्कूटी से बेचारा सोच रहा है स्कूटी से लेके जाएंगे, लेकिन सही है ना, पैदल वॉक भी करनी जरूरी है। लेकिन आज लविस लाए हो, लविस दिखाना जरा, लविस लाया था कुछ और भी, बाकी फ्रिज में रख दिया चुपके से इसने। दूध है उधर, ध्यान से दूध मैंने पका दिया, भिंडी रखी है, खाना मैंने बना दिया है, बिल्कुल सारा काम ख़त्म, बस टाइम 8:30 हो गए हैं और इन्हें मॉर्निंग में जाना, सोच रही मॉर्निंग में। तो ये है
कौन कौन लेकर आया है? आइसक्रीम। आइसक्रीम कहते हैं, आइसक्रीम। कौन सी की, कौन सी ब्रांड है? क्रीम बेल। अपने अपने खा लो, नहीं कुछ खा का है या गन्ने का जूस पिया? तो साथ में ही खा लो ना, फिर दूध भी पीना है। मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा हो रहा क्योंकि आया है ना अभी बाहर से, इसलिए। चलो ये रख दो, फोन में क्या है, नेट तो चल नहीं रहा। फोन दो जैसी का, फोन दो, सुबह से लेके जा रही हूं, फोन दो उसे, थोड़ी देर दे दो, 10 मिनट के लिए बस। मैं सोच रहा हूं थोड़ी चीज छोड़ के। हाँ कोई बात नहीं, अभी फिलहाल उसे दे दो, फिर कर लेना। तो दोनों ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, ब्लैक ब्लैक नाइटी, लोवर पहनेगी नहीं बस, इसीलिए आज हमारा नेट नहीं चल रहा ना, इसलिए दोनों के मूड ना खराब हो रहे हैं। तो ये फोन दे नहीं रही, वो बेचारा चलाना चाह रहा क्योंकि इसे मिल गया हैप्पी। चलो सो चलिए गाइज, यही थी आज की दिनचर्या। आज की दिनचर्या काफ़ी अच्छे से बीती, ऐसे बीती कि मैं काफ़ी देर घंटों तक सो गई, और लविश हाफ डे में आ गया था, वो अपना मोबाइल में बिजी था। तो जैसिका ने सही कहा कि लविश ने चलाया था फोन, हद से ज़्यादा चलाया था। हाँ मैं तो पढ़ रहा था, जैसिका गई थी, नहीं ये तो 11 बजे आ गया था ना। हाँ तो फिर तो बस इक्वालिटी नहीं है, यही थी तो मैं सो गई थी ना। यही था आज का ब्लॉग, सो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और गाइस शेयर और कमेंट भी कीजिए। सो जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी, सो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चला लिया था, नहीं 2 घंटे चलाया था, ठीक है ना। अब मुझे याद आया कि हाँ जब मेरी नींद थी तो 2 घंटे लविश ने ऑलवेज चला लिया। अब बस अब 10 मिनट के लिए, तो मिलते हैं कल।